तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए आज मैं थोड़ा सोचा कि बड़ा स्क्रीन में बताऊं, इसलिए लैपटॉप का यूज करके वीडियो को बना रहा हूं, ठीक है। हालांकि उतना देर बैटरी टिक पाएगा तब तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक पेपर है सेक पेपर, जो कि कल एग्जाम हुआ है मारवाड़ी कॉलेज में, और आने वाले टाइम में रांची यूनिवर्सिटी और नीलाम्बर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जितने भी ऑटोनॉमस कॉलेज है उन सब में होने वाला है। पेपर का नाम है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। 2024 में एग्जाम हुआ है आपका 4 अक्टूबर को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 23 लिखा है, इस पे मत जाइएगा, 4 अक्टूबर 2024 का एग्जाम हुआ है, ठीक है। सेशन 22-26, अगर आप एग्जाम दे गए हैं, आंसर की मैच कर रहे हैं, तो वीडियो की स्पीड दोगुना कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर रहता है, और सेट ए का पेपर है, सेट बी का मैं नेक्स्ट टाइम पे बना दूंगा, ठीक है। और सेक पेपर 3 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सभी के लिए। फुल मार्क्स 75, टोटल क्वेश्चन है 75 को, एक एक मार्क्स वाले, ठीक है। और बोला गया है कि ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, और ओएमआर पेपर पे आपको आंसर करना होता है ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक या ब्लू कोई भी हो। और बोला गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का मोबाइल वगैरह यूज नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पी रोम स्टैंड फॉर, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका आर डी रैम स्टैंड फॉर, तो आर डी रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, रैमबस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और केवल डी रैम बोलता तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक होता है एस रैम अगर पूछता तो एस्टेटिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीवीडी, जो डीवीडी हम लोग यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, डीवीडी स्टैंड फॉर। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, तो डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड फॉर, तो यूएसबी का प्रयोग एक चिप के तौर पे किया जाता है, और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो देखिए कहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि ऑप्शन डी में इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्सल सीरीज बस भी दे देता है। नेक्स्ट है आपका अर्पानेट स्टैंड फॉर, तो देखिए दोस्तों इंटरनेट के जमाने में पहला नेट है अर्पानेट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिवल फाइल, तो एग्जीक्यूटिवल जो फाइल होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .exe, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल, तो देखिए प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि पावर पॉइंट, और इसका जो होता है एक्सटेंशन नेम इसको बोलते हैं पीपीटी, ठीक है, प्रेजेंटेशन पीपीटी .ppt, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 8 नंबर की क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ वर्डपैड फाइल, ठीक है, तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं, चलिए कर देता हूँ, ठीक है, चलिए बहुत बड़ा हो गया। चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ वर्डपैड फाइल, वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका .rtf, ठीक है, पहले .doc गलत था लेकिन अब चेंज हो गया है .rtf हो गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर नोटपैड पूछे तो .txt होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसमें पूछा गया है कि हाउ कैन वी गेट डायरेक्ट हेल्प इन एन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट हेल्प चाहिए तो फंक्शन की F1 का यूज करना होगा, ठीक है, F1 यानी कि हेल्प, ठीक है, F2 एडिट, F3, इसी तरह टोटल 12 को फंक्शन की होता है, F1 हेल्प के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश मेंटेन्स बोथ लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट, तो देखिए लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट यानी कि इसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इधर भी छोड़ देगा जगह और इधर भी छोड़ देगा मार्जिन, दोनों साइड में जगह मार्जिन छोड़ देगा, ठीक है। मार्जिन 3-4 प्रकार का होगा, एक लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइन, एक होता है जस्टिफाई, एक होता है सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+J। आगे देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है देखने में दिक्कत होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। पूछा गया है कि डिवाइस दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर एंड आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ठीक है, पेरिफेरल्स आर टर्म एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं ऑनलाइन डिवाइस, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑनलाइन डिवाइस। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सिलिकन जो होता है, सिलिकन पेस विद अ सिस्टम सर्किट ऑन इट इज टर्म एज, ठीक है। तो देखिए जो सर्किट होता है हमारा, चिप लाइन आ गया, थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिलिकन पीस विथ अ सिस्टम सर्किट ऑन इट इज टर्म एज। तो देखिए जो हमारा चिप होता है, चिप ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ये चिप होता है सिलिकन का बना होता है, आईसी चिप का बना होता है, आईसी का, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये आपका सिलिकन का बना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रोग्राम दैट रन ऑन अ कंप्यूटर आर परफॉर्म टू एज, ठीक है। तो जो प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन होता है, चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, तो दिमाग हमारा सॉफ्टवेयर है। अब किसी किसी का माइंड ढीला हो जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर जो हैंग कर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पागल। फिर उसको कहाँ ले जाएंगे, कांके। पागल होने का बहुत सा कारण है, रे वाह वाह। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रोग्राम विच इज यूज टू कंट्रोल सिस्टम परफॉर्मेंस इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो जो प्रोग्राम क्लासिफाइड किया जाता है सिस्टम प्रोग्राम में, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल ही दिया गया है कि आपका सिस्टम परफॉर्मेंस, तो सिस्टम यानी कि सिस्टम, देखिए सिस्टम प्रोग्राम हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, और जब कभी आपको आंसर ना मिले तो मिलता जुलता वाला टर्म आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम संभावना है कि आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यार मैं कितना बुढ़वा हूँ, चार्ज में लगाया हूँ और स्विच ऑन नहीं किया हूँ, वाह। ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना। 15 नंबर है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट इज टर्म एज, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। जैसे एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, उसमें एमएस वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया इज। तो अनगाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया हम लोग किसको बोलते हैं, तो सैटेलाइट, इसको गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सैटेलाइट होगा, ठीक है, अनगाइडेड है ये। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 17 नंबर, ये 16 नंबर को देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, देखे होंगे जो फाइबर का केबल होता है ना, डिश वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका लेंथ कितना होता है, सॉरी उसकी मोटाई कितनी होती है, डायमीटर यानी कि व्यास, तो हो जाएगा 62.5 माइक्रोन, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया विच कैन बी यूज इन लेन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम लोग लेन में यूज करते हैं, लेन का परफॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो किसका यूज करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया लेन में, तो उसको हो जाएगा क्वासियल केबल का, ठीक है, क्वासियल केबल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क विच कंप्यूटर नेटवर्क विच स्पेन अ लार्ज फिजिकल एरिया, ठीक है, वैसा कंप्यूटर नेटवर्क जो कि बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, जो बहुत बड़ा वर्क एरिया कवर करते हैं उसको बोलते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। मैन का फुलफॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का फुलफॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पेन का फुलफॉर्म होता है क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वैन। ये आप एक देश से दूसरा देश भी पूरा, मतलब पूरा वर्ल्ड में आप इसको फैला दीजिए नेटवर्क, ठीक है, जैसे इंटरनेट इसका एक उदाहरण है, वैन से चलता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोकन रिंग इज अ डाटा लिंक टेक्नोलॉजी फॉर। तो देखिए टोकन रिंग डेटा लिंक टू टेक्नोलॉजी है, यह लैन के लिए है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। अगला है कि हम लोग जो ब्लूटूथ यूज करते हैं टूट जाता है, यार मैंने लिया है अमेज़न बेसिक का, बहुत संभाल के रखता हूँ भाई, आप लोग कौन कौन सा यूज करते हैं बताइएगा ना, ब्लूटूथ, मुझे शर्म लगता है, रोड में जाता हूँ तो ब्लूटूथ टांगे, ठीक, इसलिए यूज नहीं करता हूँ। ब्लूटूथ इज अ डैश टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट डिवाइस
इन अ स्मॉल एरिया, ठीक है। तो ब्लूटूथ जिसको हम लोग यूज करते हैं, दोस्तों मुझे नींद आ रहा है क्योंकि रात में बहुत कम सोता हूँ, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज अ कैसा है, ब्लूटूथ हमारा वायरलेस होता है, कोई तार की आवश्यकता नहीं होती है, तो वायरलेस लैन हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है वायरलेस लैन, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है कंप्यूटर, इन कंप्यूटर GUI स्टैंड फॉर, तो GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कहां पे है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर माउस इवेंट इज, ठीक है। तो कंप्यूटर माउस इवेंट इज, कंप्यूटर माउस का जो इवेंट होता है उसमें क्या क्या होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, होता है राइट क्लिक होता है डबल क्लिक होता है, होता है, तो ये सभी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंप्यूटर का माउस, माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसा, सॉरी चूहा, मैं कोठा में आ जाता हूँ यार। क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, ये वो छपरी पार हो रहा है यार, पूरा स्पीड गाड़ी चला के, अगर आप भी बाइक चलाते हैं फुल स्पीड से, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं आपको भी छपरी बोल रहा हूँ, संभल जाओ यार, उसका मत करो यार, ठीक है, ये सब अच्छा आदत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो छपरी गिरी मत दीजिए, अच्छा इंसान बनिए, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए। 24 नंबर है एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स एट सेम टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखिए, जब बहुत सारा काम एक समय में होता है तो उसको मल्टीपल प्रोग्राम बोला गया है, तो उसको हम लोग बोल देंगे मल्टीटास्किंग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, तो देखिए हम लोग जब भी इमेज फोटो खींचते हैं और अपना डीपी वगैरह हम लगाते हैं तो क्रॉप करने लगते हैं कि भाई थोड़ा क्रॉप कर लेंगे अच्छा देखेगा, तो कोई पसंद करेगा, ठीक है, तो क्रॉप करते हैं ना, तो जो हटाना होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट में बैटरी को देख लेता हूँ, चलिए बैटरी चल जाएगा, आगे देख लेते हैं। तो हमारा 26 नंबर है यहाँ पे कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइन टू ड्रॉप बॉक्स, तो देखिए ड्रॉप बॉक्स में जो हमारा मैक्सिमम लाइन होता है वह होता है 10 गो, ठीक है, कितना 10 गो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम, तो एक कॉलम का सबसे छोटा विड्थ कितना होता है, तो उसको बोलते हैं 0.5, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अ हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क होता है इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, तो देखिए जो हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक में डिवाइड होता है और उसको भी फिर किस में डिवाइड किया जाता है, तो सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ट्रैक में डिवाइड होता है और ट्रैक्स को भी फिर सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 29 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट न्यूज पेपर स्टाइल कॉलम, तो देखिए अगर आपको न्यूज पेपर कॉलम का स्टाइल करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट कॉलम, क्या बोलते हैं फॉर्मेट कॉलम, ठीक है। अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल, ठीक है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होता है कॉलम और रो उसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है, कॉलम और रो के बीच, जैसे ये हमारा कॉलम हो गया और बीच बीच में जो घर बनता है चौकर होना, ठीक है, चरकुट चतुर्भुज के आकार का, उसको हम लोग बोलते हैं सेल, ठीक है, और उसका एड्रेस होता है सेल एड्रेस, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सेल। सेल मतलब कोशिका मत समझिएगा, ना एक सेल मतलब बैटरी भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और एक सेल मतलब क्या होता है, आई सेल, माई सेल, ठीक है, सेल मतलब बहुत कुछ होता है यार। इन एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यू कैन एक्टिव अ सेल बाय, तो देखिए जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल को एक्टिव करना चाहेंगे तो हम लोग यूज करेंगे क्लिक द सेल, ठीक है, उस सेल को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड, इन एक्सेल जो हमारा एक्सेल है उसमें कॉलम को लेबल किया जाता है कैसे, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है, $1, $2, ठीक है, ये बोला $1, $1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक मिनट, एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज, सॉरी ये इसका ऑप्शन या तो सी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, ज्यादा पॉसिबल है कि ऑप्शन सी ही सही हो, A1, A2, ईस्ट एपसेट, ठीक है।
आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद, जो हमारा एमएस एक्सेल में कोई भी काम शुरू होता है तो इक्वल का साइन से शुरू होता है, बराबर के चिन्ह से। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, एन इक्वल साइन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 34, अ फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डाटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए जिस स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में डिवाइड होता है, ठीक है, डिस्प्ले में डेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फॉर्मूला सॉर्टिंग या फिल्टरिंग या फिर पिवोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फिल्टरिंग ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 35 नंबर, पूछा गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, तो हमारा जो पीपीटी है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसका ग्रुप से, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखिए इसमें स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स होते हैं। ठीक है, स्पीकर नोट आउटलाइन, स्पीकर्स नोट्स आउटलाइन, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये इधर कट गया क्या जी, थोड़ा सा इसको छोटा करके देखें, तो एक बार छोटा करते हैं, छोटा करने के लिए वो कॉल्ड है, कोई बात नहीं, चलिए कंट्रोल प्लस की जगह छोटा होगा, कंट्रोल प्लस सॉरी कंट्रोल माइनस की जगह तो छोटा होता है, कंट्रोल प्लस करने से बड़ा होता है, इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है 36 नंबर, अ फाइल विच कंटेन क्या है, रेडीमेड स्टाइल दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक फाइल जिसमें कंटेन किया जाता है रेडीमेड स्टाइल, ठीक है, दैट कैन बी यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टेम्पलेट। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि नया टेम्पलेट का यूज कीजिए, तो टेम्पलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं जल्दी जल्दी में पार करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इसमें केवल क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करूंगा, मेरा भी कीमती है आपसे ज्यादा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि विच एक्सटेंशन इज गिवन टू पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट बाय। ठीक है, आपसे ज्यादा कीमती नहीं होगा, हो सकता है आप लोग कोई दूसरा, मतलब चलिए यार छोड़िए जो भी है। ठीक है, तो विच एक्सटेंशन इज गिवन पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट, तो देखिए पावर पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है पीपीटी। ये दो बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, अगर डॉट कहीं पे रहेगा तो सबसे पहले डॉट वाला कुछ लगाइएगा, पीपीटी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 38 नंबर, विच कमांड ब्रिंग यू टू द फर्स्ट स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, तो जब हमारा फर्स्ट स्लाइड होता है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड बटन, पेज बटन, कंट्रोल बटन या कंट्रोल एंड बटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल होम। ठीक है, तो ये कंट्रोल होम वाला हो जाएगा, वैसे भी सबको जानता है कि ये होम फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, टू एड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज, तो देखिए जो हमारा हेडर और फुटर होता है उसको टाइटल मास्टर या फिर द स्लाइड मास्टर या फिर द हैंड आउट मास्टर भी कहेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे शॉर्टकट के पूछा गया है किसका, तो प्रिंट का, प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, ऐसे एक चीज आप लोग कर सकते हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड, पहला वाला वर्ड जो होता है उसी से जनरली बनता है आपका शॉर्टकट की, जैसे कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी, कट का होता है कंट्रोल प्लस एक्स, थोड़ा थोड़ा बदल जाता है कहीं पे। ठीक है, कंट्रोल प्लस टी क्या करता है, तो कंट्रोल प्लस टी का मैं भूल गया हूँ, कंट्रोल प्लस आई का मालूम है इटैलिक, कंट्रोल प्लस टी का नहीं याद आ रहा है। चलिए आप में से किसी को याद होगा तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सेप्ट, यानी कि इनमें सभी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, एक अपवाद है, तो यहाँ पे अपवाद है रैम, बाकी सब देखिए रोम है, रोम रैंडम रीड ओनली मेमोरी, पी रोम, फ्लैश मेमोरी, ये सभी जो है आप लोग का नॉन वोलेटाइल है, यानी कि लाइन कट जाएगा फिर भी इसमें डेटा रहेगा, लेकिन रैम में लाइन कट जाएगा तो डेटा हट जाएगा। क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर को ही इसको मॉडर्न कंप्यूटर ही बोलिए, चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूज गैस बिटवीन टू ग्लास सीट इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, तो उसको क्लासिफाइड किया जाता है किसमें, उसको क्लासिफाइड किया जाता है ये वाला, ठीक है, प्लाज्मा डिस्प्लेस में, प्लाज्मा डिस्प्लेस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है द डिवाइस विच इज यूज टू पोजिशन द स्क्रीन कर्सर, तो देखिए जो हमारा स्क्रीन पे कर्सर है, जैसे कि ये कर्सर हो रहा है इधर उधर, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउस
और डाटा ग्लोब नहीं, माउस से ऑप्शन इसका राइट ए मानिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, और इसको बोलते हैं कर्सर, ये जो इधर उधर हो रहा है ना इसको कर्सर। 45 नंबर सबको जानता है भाई, कैसा अगर तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और इन लोग का भी, जल्दी बताओ। चलिए बताते हैं जल्दी, आप लोग अपने से बात करते हैं, सेल्फ टॉकिंग मैं करता हूँ, मालूम नहीं आप लोग करते हैं या नहीं। आदमी बोलेगा पागल है, नहीं यार अपने आप से बात करना चाहिए। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि इन बाइनरी नंबर सिस्टम 0+1 इज, तो देखिए इसका आंसर एडजेक्ट तो 1 होगा। ठीक है, 0+1 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है हमारा, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, जो हम लोग ईमेल सेंड करते हैं किसी को करते हैं, किए हैं यार लेकिन रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता उधर से, तो क्या करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग अ लेटर, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो हेक्साडेसिमल जो हमारा नेक्सम नंबर सिस्टम होता है उसका बेस वैल्यू होता है 16, यानी कि 0 से 15 तक 16 संख्या होगा, मतलब 15 को भी एक ही संख्या काउंट करना है, 14 को भी एक ही, तो 0 से 15 तक 16। अगर पूछे वहां पे ऑक्टल का होता है 8, बाइनरी का पूछे तो 2 होता है, ठीक है, डेसिमल का पूछे तो 10 होता है, 4 किसी का नहीं होता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कि डिस्प्ले स्क्रीन इन विच टेक्स्ट डिस्प्ले इन वन कलर एंड बैकग्राउंड इज डिस्प्ले अनदर सिंगल कलर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे यार, क्या है भाई दिखाओ थोड़ा सा, ओ बाय है, ठीक है चलिए, तो बाय हो जाएगा, बाय अनदर सिंगल कलर इज कलर, तो इसको क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्ले स्क्रीन इन विच टेक्स्ट डिस्प्ले इज वन कलर एंड बैकग्राउंड इज डिस्प्ले बाय अनदर सिंगल कलर इज कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोम स्क्रीन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट रीडर एंड लाइट पेन बोथ आर क्लासिफाइड एग्जाम्पल ऑफ, तो देखिये जो हमारा डॉक्यूमेंट रीडर है और लाइट पेन है ये किस तरह की डिवाइस है, तो ये आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कैसे डिवाइस है, इनपुट, कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, ठीक है, प्रिंटर आउटपुट, चलिए आप लोग कर लीजिएगा, माउस इनपुट, नॉन वोलेटाइल मेमोरी आर, तो नॉन वोलेटाइल इनमें से कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे रोम भी है, पीरोम भी है, फ्लैश भी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिवाइड, देखिए हमारा क्वेश्चन हो चुका है 50 और 25 को बचा है, चलिए इसको जल्दी से करते हैं, एक बार बैटरी को देख लेते हैं, ये जो होता है ना फुल स्क्रीन F11, तो शॉर्टकट की का यूज कीजिएगा तो बहुत जल्दी आपका काम होगा। ठीक है, F11 होता है फुल स्क्रीन। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से दबाता हूँ F11। क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर कि डिवाइस दैट आर नॉट कनेक्टेड टू कंप्यूटर, जो डिवाइस हमारा कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डिवाइस हमारा सीपीयू से कनेक्टेड नहीं होता है कंप्यूटर के सीपीयू से, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफलाइन डिवाइस। ठीक है, ऑफलाइन डिवाइस, और जो कनेक्टेड होता है उसको ऑनलाइन डिवाइस। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफलाइन डिवाइस। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आर, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कौन कौन से टाइप है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम है और दूसरा है रिप्लीकेट प्रोग्राम, देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे मैंने हाँ डी ही हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी, तो डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है हमारा यहाँ पे एग्जांपल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इंक्लूड्स, ठीक है, तो देखिए सिस्टम प्रोग्राम जो इंक्लूड करता है किसको किसको इंक्लूड करता है, देखिए हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रोग्राम प्रोवाइड्स यूजर विथ ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम इज क्लासिफाइड, तो देखिए जो हमारा प्रोग्राम होता है जो क्लासिफाइड करता है ग्रिड एंड रो को, उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्प्रेडशीट, जब आप एमएस एक्सेल या फिर एमएस एक्सिस पढ़ते हैं तो जो हमारा चार्ट बनता है रो और कॉलम का पूरा जाल, उस जाल को बोलते हैं हम लोग स्प्रेडशीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम दो है, एमएस एक्सेल और एक एमएस एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम विच इज यूज टू प्रोड्यूस पिक्चर टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज
इट इन न्यूज़पेपर इज क्लासिफाइड एज, ठीक है, जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम विच इज यूज टू प्रोड्यूस पिक्चर टेक्स्ट एंड मतलब पिक्चर भी आएगा टेक्स्ट यानी कि लिखावट भी आएगा एंड ऑर्गेनाइज इन न्यूज़पेपर इज क्लासिफाइड, तो उसको जो क्लासिफाइड करेंगे हम लोग किसमें करेंगे तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला है हमारा इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड्स, तो जो हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडिया होता है किसमें इंक्लूड किया जाता है, तो इसको बोलेंगे ये हमारा क्वासियल केबल भी हो जाएगा, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस भी हो जाएगा, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। देखिएगा मैक्सिमम जो ऑल ऑफ दिस है ये आपका सही होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस और लिमिट फिजिकल एरिया, जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क होता है लिमिट फिजिकल एरिया कवर करता है, तो जो लिमिट फिजिकल एरिया कवर करेगा उसको सिंपल सी बात है जो लिमिट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोला गया यूजुअली रनिंग जो होता है रैंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस, एक छोटा सा ऑफिस में टू अ बिल्डिंग इज नॉन एज, तो जो हमारा छोटा सा बिल्डिंग में होता है और कंप्यूटर नेटवर्क द स्पेन और लिमिट फिजिकल एरिया, तो एक सबसे छोटा एरिया, सबसे छोटा हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि मेरे पास, ठीक है, मैं अगर पेन का यूज करूंगा, पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, और एक जैसे एक पूरा कॉलेज में चलेगा, तो पूरा कॉलेज में अगर आपको चलाना है किसी रूम में चलाना है तो हम लोग पेन का यूज करेंगे, पूरा कॉलेज में चलाना है तो लैन का यूज करेंगे, ठीक है, और पूरा शहर में चलाना है तो मैन का यूज करेंगे, ठीक है। मैन का प्रॉब्लम क्या होता है अभी मैंने बताया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरा देश में चलाना है तो वैन का यूज करेंगे, ठीक है, रूम में वैन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पूरा कॉलेज में चलाना है या फिर मतलब समझ रहे हैं उतना बड़ा एरिया तो लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आपको पूरा शहर में चलाना है तो मैन का यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरा देश में या फिर पूरा विश्व में चलाना है तो वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे कि गीगाबाइट एथरनेट हैज और डाटा रेट ऑफ एमबी पर सेकेंड होगा, ठीक है, तो गीगाबाइट एथरनेट डाटा और रेट ऑफ एमबी, तो हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, ठीक है, गीगाबाइट 1024, तो 1000 यहाँ पे ऑप्शन सी, ठीक है, 1000 एमबी पर सेकेंड, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि यूजर विच हैव इट्स ओन डेस्कटॉप, यूजर यानी कि उपयोगकर्ता विच हैव ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्टेड टू वन और मोर सेंट्रलाइज कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो देखिए जब हम लोग एक से ज्यादा कंप्यूटर को केंद्रीकृत रूप से यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, तो यहाँ पे नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क सर्वर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में, ऑप्शन ए, ठीक है, नेटवर्क सर्वर। आगे देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन www स्टैंड फॉर, www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने इसका खोज किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर जिसमें ड्रैग और ड्रॉप मीन टू सेलेक्ट आइटम होल्ड डाउन माउस एंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रैग ड्रॉप में ये सभी आ जाता है, ठीक है, यानी कि फाइल को मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विंडो, एक विंडो से दूसरे विंडो तक ले जाना है, चाहे मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू एक फाइल से दूसरे फाइल तक ले जाइए, ठीक है, या फिर मूव टेक्स्ट बिटवीन डॉक्यूमेंट, तो ये सभी होगा आपका ड्रैग ड्रॉप, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे विंडो विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो एंटी मतलब नेटवर्क, टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग विंडो विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंटी टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग विंडो 2000, ठीक है, यहाँ पे सबसे नया 2000 ही है, 2000 में आया था, और विंडो 98 1998 में, विंडो 95 1995 में, ठीक है, इसी तरह से आता है। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा सजेशन दूंगा, अगर आपको मानना होगा तो मान सकते हैं, नहीं तो जिंदगी आपका ऐसे भी, चलिए छोड़िए अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, चलिए
तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड, ठीक है, तो हमारा जो मार्जिन होता है को क्या बोलेंगे, द स्पेस ऑफ लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन, ठीक है, क्या बोला गया, लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंडेंटेशन, ठीक है, इंडेंटेशन, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉलम, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपेंड फ्रॉम, तो जो हमारा कॉलम का डायलॉग बॉक्स होता है वो किससे ओपन होता है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये आपका कॉलम क्या बोला गया, फॉर्मेट मेन्यू कॉलम सब मेन्यू और डबल क्लिक ऑफ कॉलम स्पेस इन रूरल, हाँ ये भी सही है, और प्रेस ऑल्ट ओ प्लस सी, तो ये भी आपका सी है, कंट्रोल ओ, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65 और अंतिम 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन टूल मेनू, कौन सा जो कमांड है टूल मेनू में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, तो देखिए कमांड जो हमारा उपस्थित नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑटो टेक्स्ट, क्या बोलते हैं, ऑटो टेक्स्ट, ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम, ठीक है, तो देखिए स्पेस कॉलम के बीच में जो मिनिमम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मच स्पेस, कितना स्पेस होता है मिनिमम मस्ट प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम, तो जीरो, ठीक है, ऑप्शन ए जीरो। आगे देख लेते हैं, और इसमें गलती भी हो सकता है, जीरो होगा या 0.5 होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जीरो होगा या फिर 0.5 होगा, दो में से एक ही होगा, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है 67 नंबर, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, द प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है जिसमें अरेंज किया जाता है किसको, तो आइटम्स ऑफ कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नॉन एज, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑर्डर जो हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, नॉन एज, सॉर्टिंग, ऑटो फिलिंग या फिर अरेंजिंग या फिर फिल्टरिंग, तो देखिए इसका आपका हो जाएगा सॉर्टिंग, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। अगला है हमारा कि एक्सेल में अगर आपको B1 से B5 तक लेना है तो क्या कीजिएगा, इन एक्सेल विच वन डिनोट अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू B5, तो देखिए हम लोग B1 को प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन देंगे और 5 पे आ जाएंगे E5, ठीक है, तो ऑप्शन ए मतलब बी, आपको जहां पे जाना होगा इसी तरह से आप जा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट पिक्चर टेबल इटीसी इज कॉल्ड, तो जो हमारा होता है ये सभी, ये कहाँ पे होता है, ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको मिलेगा लेआउट सेक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा स्लाइड्स कैन हैव, तो स्लाइड जो होता है वो कैसा होता है, स्लाइड्स कैन हैव टाइटल टेक्स्ट ग्राफिक्स ड्रॉ ऑब्जेक्ट शेप्स या क्लिप आर्ट क्लिप डाउन एंड आर्ट विजुअल या एनी ऑफ दिस, तो हो जाएगा एनी ऑफ दिस इनमें से सभी, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज नॉट द वन ऑफ व्यू ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय पावर पॉइंट टू लुक एट द मॉडिफाइ प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि विच इज नॉट वन ऑफ व्यू, तो इनमें से कौन सा एक व्यू नहीं है, ऑप्शन कौन सा व्यू ऑप्शन नहीं, प्रोवाइडेड बाय द पावर पॉइंट लुक एट द मॉडिफाइ प्रेजेंटेशन, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा होगा, स्लाइड शो फॉर्मेट स्लाइड या स्लाइड सॉर्टर या नॉर्मल, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नॉर्मल। आगे देखते हैं क्वेश्चन है 72 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट राइट आंसर होगा। अगला है हमारा एन, इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, तो हमारा जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, स्लाइड बोलते हैं, तो राइट आंसर यही होगा स्लाइड, और नीचे कहल जाएंगे फालतू। अगला हमारा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज, देखिए ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया कि जब हम लोग इमेज को हटाना चाहते हैं अनवांटेड पार्ट जिसको हम नहीं चाहते उसको क्रॉपिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम है, पूछा गया द फाइल टाइप डैश इंडिकेट द फाइल इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है,
तो वर्ड हमारा हो जाएगा वर्ड यानी कि वर्ड पेड, तो इसका होता है डॉट टी ओ सी। अगर डॉट आर टी एफ होता तो आर टी एफ मारते, लेकिन यहाँ पे हमारा डॉट डी ओ सी दिया है तो हम लोग डॉट डी ओ सी मारेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन डी। देखिए मैं सजेशन यही देना चाह रहा था कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब जिनके घर में पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी टाइम पे जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे भी रहता था। देखिए आप में से कोई भी हो, गवर्नमेंट की तैयारी के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो जिंदगी आपका समझ रहे हैं ना, आपके देख लिए होंगे कि जो आपसे बड़े हैं वो किस ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक है, सक्सेस का परसेंट बहुत कम होता है, इसलिए मैं कहूँगा अभी से ही कोई प्राइवेट काम ढूंढ लीजिए और साथ में क्या कीजिए, या फिर अगर आपके पेरेंट्स काम कर रहे कहीं पे तो उनके साथ भी आप काम पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का तैयारी मत कीजिए क्योंकि बहुत भीड़ है दोस्तों, बहुत भीड़, और सक्सेस का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट का तैयारी मत कीजिए, प्राइवेट का ही कीजिए, प्राइवेट में कहीं पर लग जाइए अगर आपको पैसा की जरूरत है तो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तैयारी करना चाहिए तो आप एक साल करके देख सकते हैं, एक साल से दो साल, दो साल से तीसरा साल मत जाइएगा। ठीक है, खाली टाइम वेस्ट होगा, अगर दो साल में जी जान से नहीं हुआ तो और छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज ट्राई कीजिए, और मैं क्या बोलूँगा, बस जितना बोलना था बोल दिया, बाकी आपका फ्यूचर आप जैसा निर्णय लें। देखिए गवर्नमेंट में जाइएगा, नहीं होगा ना, मान लेते हैं कि आपको पाँच साल तक नहीं हुआ, ठीक है, डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगा, इस साल मैंने इतना टाइम वेस्ट किया कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना भीड़ है और ऊपर से करप्शन है, इसलिए प्राइवेट जॉब कीजिए, आराम से लाइफ को एंजॉय कीजिए, प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इवन गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट में स्कोप है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो स्किल होता है, टैलेंट होता है, उसको तवज्जो दिया जाता है। ठीक है, हाँ, और आप प्राइवेट में रह के गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन केवल इस पे फंस जाना मैं कहूँगा गलत बात है। ठीक है, चलिए आपकी मर्जी, इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, बाय, और मुझे भी पढ़ना है, बाय। मैं तैयारी कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिला है, प्राइवेट शुरू में मिला था लेकिन बहुत दूर दूर मुझे दिया जा रहा था, नोएडा वगैरह, इसलिए नहीं गया हूँ। फिलहाल अब चल जाऊँगा, अगर इस साल तक नहीं होता है कुछ तो मुझे प्राइवेट ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि अब एज हो रहा है, 23 साल हो गया। थैंक यू, बाय। ठीक है, कट करते हैं, ऑल द बेस्ट, इसी तरह से एग्जाम देते रहिए, बाय।